आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे पीएम प्लांस डिजाइन एंड नॉलेज में। मैं हूं सिविल इंजीनियर प्रीतिश। दोस्तों आज हम 16 फीट बाय 80 फीट घर का नक्शा देखने वाले हैं। इसका जो चौड़ाई रहेगा दोस्तों वो 16 फीट रहेगा, जो लंबाई रहेगा दोस्तों वो 80 फीट रहेगा। काफ़ी लोगों का प्लॉट का साइज जो है इस प्रकार का होता है, जो कि उनके पास चौड़ाई जो है कम होता है लेकिन लंबाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे में किस तरीके से एक अच्छा सा डिज़ाइन निकल सकता है और इस नक्शा में किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कितना इसमें आपका रूम रहेगा, कितना पिलर रहेगा, घर बनाने के लिए दोस्तों आज के डेट में इस नक्शा में आप लोगों को कितना खर्चा पड़ेगा, सारा का सारा डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल से आप लोगों को घर का नक्शा, प्लान, डिज़ाइन, एलिवेशन, घर का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो जानकारी आप लोगों को आगे मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों बिना देर के सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों यहां पे पहले आप नजर कीजिए डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसका जो एंट्रेंस रहेगा दोस्तों वेस्ट की तरफ से रहेगा, मतलब पश्चिम मुखी घर का नक्शा। दोस्तों देखिए ये रहेगा आपका मेन गेट, यहाँ से आपका एंट्री होगा। जैसे ही आप अंदर एंटर करके पहले आप लोग यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा विथ स्टेयरकेस। पार्किंग का जो जगह आपको यहाँ पे मिल रहा है 10 फीट बाय 11 फीट 4 इंच का, आप लोगों को पार्किंग का स्पेस मिल रहा है। स्टेयरकेस को मिला के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस पार्किंग का बोल रहा हूँ। पार्किंग के लिए 10 फीट बाय 11 फीट 4 इंच मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टेयरकेस दिया गया है। ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके दोस्तों आप ऊपर जाएंगे, आप एंट्री के पोर्शन में है पार्किंग में। स्टेयरकेस रखने का फायदा ये है, आप अगर फर्स्ट फ्लोर रेंट में देना चाहते हैं वो आप आराम से रेंट में दे सकते हैं। जो रेंट ऊपर रहेंगे वो यहीं से ही दोस्तों घर ऊपर चले जाएंगे, घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो घर के अंदर एक प्राइवेसी मेंटेन होकर रहेगा। वहां से आप जैसे ही आगे जाएंगे आपको लिविंग कम गेस्ट रूम मिलेगा, जिसका साइज रहेगा 11 फीट 5 इंच बाय 14 फीट 4 इंच का। आप लोग यहाँ पे लिविंग कम गेस्ट रूम मिलेगा और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल लाइट के लिए। दोस्तों देखिए ये जो प्लॉट का साइज है ये आपको बिल्टअप एरिया में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो प्लॉट एरिया है वो है आपका 1600 स्क्वायर फीट, लेकिन जो घर बना हुआ है वो बनाया गया है दोस्तों 1280 स्क्वायर फीट में। तो चारों तरफ यहाँ पे विंडो रखा गया है अच्छे तरीके से वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल लाइट के लिए। यहाँ से आप जैसे ही आगे जाएंगे दोस्तों आपको मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपको पैसेज मिल रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 3 फीट 11 इंच का आप लोग यहाँ पे पैसेज मिल रहा है आगे जाने के लिए। जैसे ही आप आगे जाएंगे एक मास्टर बेडरूम पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसका साइज रहेगा 10 फीट बाय 14 फीट। यहाँ पे डबल बेड लगाने के अलावा आप अगर चाहें इंटीरियर का फर्नीचर वगैरह भी दोस्तों यहाँ पे आराम से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक विंडो दिया गया है। वहाँ से आप जैसे ही आगे जाएंगे आपको कॉमन लैटबाथ एक मिल जाएगा 5 फीट बाय 8 फीट का। यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। वहाँ से जैसे ही आप आगे जाएंगे आप लोगों को और एक बेडरूम मिलेगा, बेडरूम नंबर 2, जिसका साइज रहेगा 10 फीट बाय 12 फीट। ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है दोस्तों। यहाँ पे भी एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। वहाँ से जैसे ही आप उस पैसेज से आगे जाएंगे आप लोगों को हॉल और डाइनिंग दोस्तों यहाँ पे मिल जा रहा है, जिसका साइज रहेगा 10 फीट बाय 14 फीट 4 इंच का। आप लोगों को यहाँ पे हॉल और डाइनिंग मिल रहा है। और उसके आगे आप अगर देखेंगे आपको किचन मिल रहा है 8 फीट बाय 10 फीट का, आपको किचन मिल रहा है। यहाँ पे किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है दोस्तों, इस तरीके से एल शेप में किचन का प्लेटफॉर्म रहेगा, जहाँ पे जो घर के महिला हैं वो जहाँ पे रसोई बनाएंगे दोस्तों, ये पूरा उसका किचन का प्लेटफॉर्म है, जो कि 2 फीट बाहर निकलेगा। ये जो किचन का स्लैब है उसके साइड में बगल में आप अगर देखेंगे पूजा रूम 5 फीट 11 इंच बाय 6 फीट का, आप लोगों को यहाँ पे मंदिर मिल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जहाँ पे डी लिखा गया है सारा का सारा डोर दोस्तों वहाँ पे रहेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे भी एक डी है, यहाँ पे आपका डोर है, बेडरूम में डोर है और यहाँ पे भी दोस्तों एक डोर रखा गया है। आप अगर नहीं रखना चाहते हैं आप नहीं रख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइवेसी के लिए आप अगर चाहें तो रख भी सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो डिज़ाइन आपने ये देखा तो कितना हुआ आपका, आप अगर यहाँ पे लिविंग कम गेस्ट रूम अगर नहीं रखेंगे तो और एक रूम आप अगर चाहें तो बेडरूम बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे तो 2 BHK इसमें बनाया गया है, 2 बेडरूम है, एक हॉल और डाइनिंग है और एक लिविंग कम गेस्ट रूम है। तो अगर आप देखें तो 2 बेडरूम है, लेकिन लिविंग कम गेस्ट को आप अगर नहीं रखेंगे, ये पूरा खुला है, अगर नहीं रखेंगे तो और एक बेडरूम भी आप निकाल सकते हैं, जो कि इसको आप आराम से 3 BHK भी दोस्तों बना सकते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो 3 BHK ही है इसको, अगर पूरा आप इस तरीके से हो जाएगा ये आपका एक पूरा रूम निकल जा रहा है, तो ये 3 BHK का माना जाएगा दोस्तों, 1280 स्क्वायर फीट में 3 BHK घर का डिज़ाइन। आप थोड़ा फिर से दोस्तों आप थोड़ा नज़र कर लीजिए, पहले पार्किंग, लिविंग कम गेस्ट, उसके आगे जाएंगे मास्टर बेडरूम रहेगा, उसके आगे लैटर बाथ रहेगा, उसके आगे बेडरूम रहेगा और एक बेडरूम, उसके आगे हॉल और डाइनिंग रहेगा और उसके आगे आपको किचन मिलेगा और पूजा मिलेगा। किचन और पूजा जो अगर देखा जाए तो वास्तु के मुताबिक
रखा गया है दोस्तों, आग्नेय कोण में दोस्तों किचन रसोई घर रखा गया है, ईशान कोण में आपका पूजा रूम का प्लेसमेंट किया गया वास्तु के मुताबिक। ये रहेगा दोस्तों आपका पूरा प्लान। अभी हम देखें दोस्तों कितना पिलर रहेगा, पिलर जो क्रॉस मार्क आप देख रहे हैं इसका पिलर रहेगा। पिलर अगर हम यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल मिला के 14 पिलर रहेगा। 14 पिलर में दोस्तों ये घर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा 3 BHK का डिजाइन। दोस्तों ये था आपका 16 फीट बाय 80 फीट घर का नक्शा। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि कितना आपका इसमें खर्चा होगा घर बनाने के लिए। तो कुल मिला के जो एरिया है वो है 1280 स्क्वायर फीट। तो 1280 स्क्वायर फीट में आप अगर घर बनाएंगे तो आपको खर्चा हो जाएगा 17 से 20 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा पूरा। मतलब टाइल मार्बल के साथ अच्छे से फिनिशिंग करके आप अगर बनाएंगे तो 17 लाख 28 हज़ार से 20 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। आप अगर नॉर्मल तरीके से बनाना चाहते हैं, कोई भी इस तरीके से फिनिशिंग वगैरह आप नहीं करना चाहते हैं, तो एकदम नॉर्मल तरीके से आप अगर बनाना चाहते हैं तो कितना खर्चा होगा वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। 15 लाख रुपए में वो घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा आप अगर एकदम नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग करके टाइल मार्बल वगैरह डाल के बना रहे हैं तो 17 लाख से 20 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा 16 फीट बाय 80 फीट घर का नक्शा, इसमें 3 BHK डिज़ाइन किया गया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप अगर नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।